वेलकम टू न्यूट्रिशन फैक्ट। तो खजूर का मौसम आ गया है, तो उसे खाने से पहले जानते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उसे खाने के फायदे। कोई चीज़ के फायदे जानने के बाद उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके कुछ फैक्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, खजूर का साइंटिफिक नाम फिनिक डेक्टाइलिफेरा है। फिनिक डेक्टाइलिफेरा लैटिन शब्द है, फिनिक्स का मतलब है पर्पल लैंड। ये जगह जॉर्डन वैली और मेडिटेरेनियन के बीच कोस्टल एरिया को बताती है। शब्द डेक्टाइलिफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, डेक्टिलोस और फेरो। डेक्टिलोस का अर्थ है द डेट और फेरो का आई बेयर। अंग्रेजी में इसे डेट कहते हैं, जो ग्रीक शब्द फिंगर से आया है क्योंकि ये फल उंगली जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर टू, पृथ्वी की लगभग 3% कृषि भूमि खजूर से ढकी हुई है, जो सालाना 400 करोड़ केजी खजूर का उत्पादन करती है। फैक्ट नंबर थ्री, खजूर के बीज दशकों तक बिना उगे रह सकते हैं जब तक कि उन्हें अंकुरित होने के लिए सही एनवायरनमेंट ना मिल जाए। फैक्ट नंबर फोर, इजिप्ट खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। खजूर उत्पादन में सेकंड नंबर पर सऊदी अरब आता है, तो थर्ड नंबर पर ईरान आता है। नंबर फाइव, एक परिपक्व खजूर का पेड़ लगभग 90 से 130 केजी खजूर या 10,000 खजूर पैदा कर सकता है। पूरे मौसम में खजूर के फल की कटाई कई बार कर सकते हैं, यह हर बार कम से कम 1,000 खजूर देता ही है। फैक्ट नंबर सिक्स, खजूर को दुनिया में सबसे पुराना खेती वाला फल माना जाता है। धरती में मिले जीवाश्मों से पता चलता है कि खजूर लगभग 5 करोड़ साल पुराना है। फैक्ट नंबर सेवन, खजूर के पेड़ अपनी सुंदरता के लिए रोम में बहुत प्रसिद्ध थे। खजूर के पेड़ रोम के पेरिस्टाइल बगीचों में काफ़ी लोकप्रिय थे, हालांकि वहाँ खजूर के पेड़ पर फल नहीं लगते थे क्योंकि वहाँ इसके लिए सही एनवायरनमेंट नहीं था। वहाँ खजूर के पेड़ विक्ट्री सिंबल के रूप में ज़्यादा लगाए जाते थे। फैक्ट नंबर एट, यहूदी लोग खजूर को 7 पवित्र फलों में से एक मानते हैं। बाइबल में 50 से ज़्यादा बार और कुरान में 20 बार खजूर के बारे में बताया गया है। बाइबल में खजूर के पेड़ों को समृद्धि और विजय के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। फैक्ट नंबर नाइन, खजूर का पेड़ नमक वाले स्थान पर ज़्यादा अच्छा बढ़ता है, जहाँ और तरह के पेड़ नहीं होते। उसे कभी कभी समुद्र के पानी से भी सींचा जाता है। फैक्ट नंबर 10, ओमान में जब एक बेटा पैदा होता है तो उसके साथ एक खजूर का पेड़ लगाया जाता है। वो खजूर का पेड़ उसके साथ साथ बढ़ता है, जो उसे विश्वास दिलाता है कि उसका परिवार कभी भूख से पीड़ित नहीं होगा। फैक्ट नंबर 11, खजूर का पेड़ सऊदी अरब का नेशनल सिंबल है और वहाँ लगभग 4.4 करोड़ या 44 मिलियन खजूर के पेड़ है। एक वयस्क व्यक्ति दिन में सिर्फ 15 खजूर खाकर जिंदा रह सकता है। इसमें सभी विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है। फैक्ट नंबर 13, खजूर के पेड़ की ऊंचाई लगभग 70 से 75 फीट होती है। फैक्ट नंबर 14, खजूर के पेड़ लगभग 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 15, भारत में खजूर की खेती सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू की। अब हम जानते हैं खजूर की कुछ बेहतरीन वैरायटी के बारे में। खजूर की वैरायटी में सबसे पहले नंबर पर आता है मैचूल खजूर। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, बनावट थोड़ी रेशेदार होती है। इनकी ज़्यादातर खेती मोरक्को, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सऊदी अरब में होती है। नंबर 2 पे आता है ओमानी खजूर। ओमानी खजूर सबसे अच्छी वैरायटी में से एक है, जो आमतौर पर साइज में बड़ी होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ओमानी खजूर, इसकी उत्पत्ति ओमान में हुई है। नंबर 3 पर है प्योरम खजूर। प्योरम खजूर लंबे, पतले और ओवल जैसे होते हैं। इनका साइज लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। ये ज़्यादातर पर्शियन गल्फ और मिडल ईस्ट एरिया में उगाए जाते हैं। इनका टेस्ट बाकी खजूर से थोड़ा अलग है। ये स्वाद में टॉफी और थोड़े थोड़े कैरमल जैसे लगते हैं। नंबर 4 पर है डिगलेट खजूर। डिगलेट खजूर की उत्पत्ति वोल्गा ओसिस अल्जीरिया में बिस्करा और ओदा के नेबर एरिया में हुई थी। नंबर 5 पर है मजाफती खजूर। मजाफती खजूर का साइज लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसकी उत्पत्ति ईरान के करमन शहर के एक शहर बाम से हुई है। इसका स्वाद कैरमल, ब्राउन शुगर और थोड़ा थोड़ा चॉकलेटी होता है। नंबर 6 पर है बरही खजूर। बरही खजूर की उत्पत्ति इराक से हुई है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा बटरस्कॉच और सिरप जैसा होता है।
नंबर 7 पर आता है थूरी खजूर। थूरी खजूर साइज में मीडियम साइज का होता है और थोड़े तिरछे होते हैं। ये खजूर अल्जीरिया में बहुत प्रसिद्ध है। स्वाद में थोड़े ज़्यादा ड्राई होते हैं, कम मीठे होते हैं और थोड़ा थोड़ा स्वाद मूंगफली और अखरोट जैसा होता है। नंबर 8 पर आता है अमेरी खजूर। अमेरी खजूर की उत्पत्ति इराक में हुई है और टेस्ट में मीडियम स्वीट होते हैं। नंबर 9 पर आते हैं देरी खजूर। देरी खजूर की उत्पत्ति भी इराक से ही हुई है। ये खजूर थोड़े नरम होते हैं। नंबर 10 पर है हलवी खजूर। हलवी खजूर दिखने में थोड़ा थोड़ा येलो होता है और ये खजूर की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है। इनका स्वाद थोड़ा शहद जैसा होता है। नंबर 11 पर आते हैं खुदरी खजूर। खुदरी खजूर की खेती ज़्यादातर सऊदी अरब में करते हैं और ये छोटे बड़े दोनों साइज में आते हैं। स्वाद में मीडियम स्वीट होते हैं। नंबर 12 पर है जायदी खजूर। जायदी खजूर की खेती ज़्यादातर नॉर्थन इराक में की जाती है और स्वाद में ये थोड़े पीनट बटर और एप्रिकॉट जैसे होते हैं। नंबर 13 पर है सफवी खजूर। सफवी खजूर की खेती मदीना सऊदी अरब में की जाती है। ये खजूर खुदरी खजूर से ज़्यादा मीठे होते हैं। नंबर 14 पर है एम्बर खजूर। एम्बर खजूर मदीना में होने वाले सभी तरह के खजूरों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नंबर 15 पर आते हैं कलमी खजूर। कलमी खजूर सफवी खजूर के टाइप में से एक है। ये खजूर की उत्पत्ति तो वैसे ओमान में हुई थी पर खेती ज़्यादा मदीना में होती। तो आप जानते हैं खजूर खाने के कुछ बेनिफिट्स। प्रेग्नेंट औरतों के लिए खजूर बहुत ही बेनिफिशियल है। जो औरतें डेली 5 से 6 खजूर खाती है उनकी नेचुरल डिलीवरी होने की संभावना 20% बढ़ जाती है और ये डिलीवरी के टाइम पीरियड को भी कम करने में काफ़ी असरदार है। खजूर में पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम समेत कई मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों की बीमारियों को होने से रोकते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं और साथ ही साथ खजूर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी असरदार है। खजूर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक एसिड जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हार्ट की हेल्थ को सुधारते हैं, आंखों के रोग होने की संभावना को कम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट अल्जाइमर और कैंसर रोग होने की संभावना को भी काफ़ी कम कर देते हैं। जिनको भी नींद न आने की प्रॉब्लम है वो सोने से पहले 200 से 250 ml दूध में 5 से 6 खजूर मिलाकर उसका शेक बनाकर पिएं। कम से कम एक हफ्ते में इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। खजूर मेंस एंड फीमेल्स दोनों की सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाता है और स्पर्म काउंट या शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है। खजूर में आयरन की काफ़ी मात्रा होती है। गर्ल्स में खून की कमी बहुत देखी जाती है और खून बढ़ाने के लिए कोई सप्लीमेंट लेने से बेहतर अगर आप रोज़ाना 5 खजूर खाएं तो आप में खून की कमी दूर हो जाएगी। तो मिस्टर, मिस एंड मिसेस तीनों के लिए खजूर बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट में खजूर को ज़रूर शामिल करें। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स मैंने शायद ही किसी और चीज़ में देखे होंगे। जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं उनको एक्सरसाइज करने से लगभग आधे से एक घंटे पहले 5 से 6 खजूर खाने चाहिए। ये आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस को काफ़ी बढ़ा देगा। खजूर की ग्लाइसेमिक इंडेक्स केले से कम होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक वैल्यू होती है जो बताती है कि कोई फूड को खाने से शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितनी तेज़ी से बढ़ा देगा। जिस फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू लो होती है वो धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करते हैं और लगातार करते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी लौटूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।